और हमारे साथ आज एएमवी न्यूज में और एक एक्सपर्ट हमारे साथ में है, मिस्टर कुशल सोनी, जो पिक्सेल एरिया के ओनर हैं और डायरेक्टर भी हैं, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी रह चुके हैं और उन्होंने मास्टर्स इन फोटो एडिटिंग एंड एल्बम डिजाइनिंग में बहुत सारे वर्कशॉप लिए हुए हैं। तो आइए, फोटोशॉप और उनमें क्या खूबियां हैं, कितना इजी फोटोग्राफी के लिए ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और उसमें बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारे फिल्टर्स हैं, कौन सा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, वो सभी जानकारी हमें कुशल सोनी जी देंगे और उनके वर्कशॉप के बारे में भी बताएंगे। कुशल जी, आपका एएमवी में हार्दिक स्वागत है। तो कुशल जी, आप हमें बताइए, ये जो लॉकडाउन आ गया तो सब लोग थम गए, तो आपने क्या नया इनोवेटिव किया? पहले जो लॉकडाउन के कुछ दो हफ्ते थे वो लोगों को अंडरस्टैंड होने में ही समय लगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि इस टाइप की चीजें हमने अभी तक अपने जीवन पे 40 साल में तो मैंने भी नहीं देखी थी कि ऐसा लॉकडाउन होता है। अच्छा, लॉकडाउन हुआ उसके बाद उसके बहुत सारे इफेक्ट्स भी देखने मिले हर जगह, और रिसेशन काफी आ गया, फोटोग्राफी का टोटल जो है सीजन चल रहा था, सबके काम कैंसिल हुए। ठीक है, वो एक माइनस पॉइंट जरूर था, उसमें नकारात्मक चीज बोल सकते हैं, लेकिन ऑलवेज जैसे मेरा जो मानना है कि हमेशा जो है किसी भी नकारात्मक चीज के पीछे में सकारात्मक पहलू भी छुपा होता है। मैंने ये सोचा कि यार ये टाइम इतना अच्छा है कि लोगों को, मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग ज्यादातर 5-5, 7-7 घंटे व्हाट्सएप और फेसबुक या यूट्यूब में बिताने लगे, तो क्यों ना हम एक ऐसा माध्यम प्रोवाइड करें फोटोग्राफर्स को कि उनके लिए एक ऐसा कोर्स बना दें जो कि सरल भी हो, अंडरस्टैंडिंग भी हो और इजी टू उनको कन्वे हम कर सके। तो उसका एक माध्यम ओनली ऑनलाइन ही मुझे दिख रहा था। तो आपको बता दूं कि कोर्स तो मैंने सिर्फ एज ए एक्सपेरिमेंट मैंने एक अनाउंस कर दिया कि मैं आप सभी फोटोग्राफर्स भाइयों के लिए इस टाइप का कोर्स लेके आ रहा हूं, एक महीने का, जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। बट मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, उस पे मुझे एक ही दिन में करीब 100 के ऊपर फोटोग्राफर्स के मुझे कॉल आ गए थे कि हमें ये कोर्स चाहिए। शुरुआती तौर पे तो मैंने डायरेक्ट जो है डेली में एक जो है एपिसोड करीब आधा पौन घंटा एक घंटे का रिकॉर्ड करता था और उनको ईमेल के माध्यम से भेजता था, उस पे भी उनको काफी सेटिस्फेक्शन था। फिर मैंने बोला कि मैं रोज किस तरीके से इनके लिए अलग अलग बनाऊंगा, टाइम लगेगा, तो मैंने डबल शिफ्ट में काम करके 15 दिन में ही सारा पूरा कोर्स मटेरियल एक साथ बना दिया, जो कि बिल्कुल जीरो लेवल से था। और मैंने काफी सोचा, क्योंकि मुझे टीचिंग का काफी ज्यादा अनुभव था, तो मैंने अपने जो भी अभी तक वर्कशॉप किया है उसका एक निचोड़ निकाला कि मैं ऐसा क्या दे सकता हूँ इनको कि अगर कोई मेरा एक कोर्स ले ले तो दोबारा उनको फिर दुनिया के किसी भी वो मेंटर का या किसी भी भाषा में वो कोर्स करें, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से भी एडवांस क्यों ना करें, तो उनको वो चीज समझ में आनी चाहिए। एक्चुअल पे हुआ क्या है, इंडिया में जो डिजिटल क्रांति आई है वो इतने ज्यादा बूस्टिंग के साथ आई है कि लोग संभल पाते उससे पहले टेक्नोलॉजी पहले ही आ गए। यस यस यस। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, तो उसमें आप कोर्सेज की बात करें तो कौन कौन से कोर्सेज आप इसमें? देखिए, अभी तो जो मैंने जो फर्स्ट कोर्स फर्स्ट लॉकडाउन पे जो बनाया था वो मेरा 1 मंथ का कोर्स था, वो भी जीरो लेवल से, मतलब जो ओनली फोटोग्राफर्स के लिए था, वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जिनका सिर्फ फोटो एडिटिंग से मतलब है, क्योंकि फोटोशॉप फोटोग्राफर्स के लिए नहीं, उसमें तमाम कई तरीके के लोगों के लिए फोटोशॉप में ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो इतना बड़ा समुद्र है कि उसको जान पाना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने जो कोशिश की वो सिर्फ जो एक फोटोग्राफर्स, चाहे वो स्टूडियो फोटोग्राफर हो, चाहे वो वेडिंग फोटोग्राफर हो, चाहे फ्रीलांसर हो, कि मेरे कोर्स से उनको क्या फायदा हो सकता है, तो वो बहुत सोच समझ के मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से बनाया कि भाई फोटोशॉप क्या है, सीसी क्या है, उसका इंटरफेस किस तरीके से दिखता है और किसके लिए उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन से टूल हमारे लिए हैं और कौन से हमारे लिए नहीं है, कब क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है। सबसे पहले मैंने एक जो चीज बनाई है उसमें मेरे कोर्स करने के बाद जो मेरे पास जो फीडबैक है अभी तक पिछले 1.5 साल लगभग 1000 के पीछे एक दो को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एक दो जो है महानुभाव आपको पता है कि हर फील्ड में मिलते हैं, तो वो एक दो को छोड़ के बाकी सब लोग सेटिस्फाइड हैं और मेरे नेक्स्ट कोर्स के लिए भी वो लोगों के काफी मेरे पास कॉल्स आते हैं। मैं एक बार और बता दूं, कोर्स इतना मैंने सरल बनाया है कि यदि किसी ने आज तक फोटोशॉप को हाथ नहीं लगाया है या देखा नहीं है वो भी प्रोफेशनल एडिटिंग कर पाएगा, बट कोर्स को ईमानदारी से करने के बाद। जैसे आप देखते हैं कि यूट्यूब पे लोगों के पास इतना भी पेशेंस नहीं होता कि 10 मिनट का भी पूरा देख सके, वो स्किप करके देखते हैं यूट्यूब को। तो अगर किसी की इस टाइप की आदत
जाता है कि उनके पास बिल्कुल धैर्य नहीं है, तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं इनकी गारंटी ले सकता हूँ, अगर धैर्य से मेरा कोर्स एक नहीं दो बार नहीं चार बार देख के यदि कोई काम करे तो कंप्लीट फोटो एडिटिंग उसको आ सकती है, उसका कलर करेक्शन से लेके जो भी उनका एक डर है वो समाप्त हो सकता है। इतना मैंने सिंपल कर दिया है। बहुत बढ़िया। तो ये जो आप कोर्सेज के डिटेल्स के लिए बात किया अभी आपने, और ये स्पेशली बनाया फोटोग्राफर के लिए, तो अभी कोर्सेज के डिटेल्स और आपका कॉन्टेक्ट कैसे हम कर सके, कोर्सेज कौन कौन से टाइप के कोर्सेज, आपके एक्सपर्टाइज किसमें है? देखिए हमारा मेन जो एस्पेक्ट है वो पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर ही है। पोस्ट प्रोडक्शन पे आप इमेज से रिलेटेड, चाहे आप एल्बम बोल लें, चाहे आप फोटो एडिटिंग करवा लें, प्री वेडिंग की एडिटिंग करवा लें, रिटचिंग करवा लें, या ग्राफिक के साथ मर्ज करके कोई पोस्टर आपको डिजाइन करना हो वो करवा लें, तो वो सारी चीजें हैं जो कि एक फोटोग्राफी फील्ड से रिलेटेड है। तो पोस्ट प्रोडक्शन पे मैंने इसलिए ध्यान दिया, मैं खुद महसूस करता था कि जब मैं फील्ड में आया तो फोटोग्राफी के तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे इंडिया में, लेकिन कोई सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर मास्टरी करवाता हो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं था, या हुआ भी होगा तो इतना कम था कि वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते थे। एक तो ये भी कारण है कि मैं इस फील्ड में आया कि लोगों को एजुकेशन बहुत जरूरी है सर, और एजुकेशन भी मैंने पूरा कोर्स हिंदी में बनाया है, क्योंकि क्या होता है कि अपनी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी में, क्योंकि आप बॉलीवुड मूवी भी देखते हैं तो आपको जल्दी हर चीज समझ में आती है और देर तक याद रहता है, तो उस वजह से मैंने हिंदी में कोर्स बनाया जो कि बहुत ही सिंपल है। तो आपके कॉन्टेक्ट कैसे करें हम? कॉन्टेक्ट करने की सर मेरा नंबर आप फ्लैश कर सकते हैं, है ना, वो फ्लैश आप कर दीजिए, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक छोटी सी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है जिसमें आपको नाम, आपका सिटी का नाम, आपका ईमेल एड्रेस, और आपने जो हमें पेमेंट किया है उसका आपको एक स्क्रीनशॉट भेजना पड़ता है, और पेमेंट करने के 10 मिनट बाद ही आपको डाउनलोडिंग लिंक हम दे देते हैं, और डाउनलोड होने के बाद हमारा एक प्रोसेस होता है एक्टिवेशन का, कोर्स हम एक्टिवेट करते हैं यहाँ से। तो आफ्टर डाउनलोड एक्टिवेशन प्रोसेस के बाद आप ऑफलाइन उसको लाइफ टाइम के लिए देख सकते हैं, और सारा कोर्स एक साथ मिलता है, और कोर्स से रिलेटेड कोई आपका डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप से या कॉल के थ्रू संपर्क करके जो आपको प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, या ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप अपना वीडियो बना के कि क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे सेंड कर सकते हैं, तो मैं सेम डे पे भले अगर ना कर पाऊँ रिप्लाई तो मैं आपको एक दिन बात करूंगा, लेकिन रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मैंने कुछ इस तरीके से, तो आपके जितने भी कोर्सेज है वो अवेलेबल है प्री रिकॉर्डेड? यस प्री रिकॉर्डेड है, बट प्री रिकॉर्डेड में अगर आप देखें तो 100% जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर ही बेस्ड है, उसमें थ्योरी कहीं नहीं है, सारा कुछ प्रैक्टिकल है, और मैंने उसमें ये भी पहले बताया हुआ है कि कहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस टाइप की प्रॉब्लम आएगी उसको क्या चीज हम बोलते हैं, क्या समझ सकते हैं, और कहाँ उसको एक्सेप्ट करना है, कहाँ रिजेक्ट करना है, तो वो सारा चीज हमने बताया हुआ है। तो वो तो उसकी अप्रोक्सीमेटली आपके कोर्सेज के फीस क्या रहेंगे? सर हमारा कोर्स बहुत ही नॉमिनल है, हमने बहुत सोच समझ के, क्योंकि लॉकडाउन में ऑलरेडी फोटोग्राफर्स के जो है आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, तो हमने सिर्फ 1500 रुपए में ये पूरा महीने भर का हमने कोर्स बनाया है जो कि लाइफ टाइम चलेगा। लाइफ टाइम मीन्स अगर आपका कंप्यूटर फॉर्मेट भी हुआ तो उसके बाद भी हम आपको करके दे रहे हैं। एक ही मशीन में चलेगा कि 2-3 मशीन में चलेगा? सर वो एक एक्टिवेशन है, अगर किसी को एक से ज्यादा एक्टिवेशन चाहिए तो एडिशनल हम सिर्फ 500 ले रहे हैं एडिशनल मशीन का एक्टिवेशन करने, तो वो भी किया जा सकता है। ओके, कोर्सेज कितने हैं उसमें? 1000 हमारा कोर्स है जो रिसेंट अभी चल रहा है वो फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के ऊपर है 2020 के ऊपर, और हमारा रिसेंटली अभी जो है लगभग एक महीने बाद हमारे 3 कोर्सेज आ रहे हैं। एक कोर्स आ रहा है की जो मार्केट के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर भी है, जैसे आपने नाम सुना होगा डिजिक्लिक का, जो मेंटर टॉक्स में आपने बुलाया था बीच में एक्सपर्ट टॉक में हमारे प्रसाद सर को, तो ये उनकी कंपनी है, उनके सॉफ्टवेयर पे बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट है अगर किसी को जल्दी काम करना हो। बट होता क्या है, लोग सॉफ्टवेयर तो खरीद लेते हैं, आप देखे होंगे कि फोटो फेयर में इतनी भीड़ रहती है और हजारों सॉफ्टवेयर बिकते हैं, सारे बिकते हैं, लेकिन लोग आने के बाद आलस्य जो बोलते हैं, मानसिक आलस्य, उसकी ट्रेनिंग नहीं लेते, और जब तक आपको बोलते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, तो आप जब पूरा ज्ञान नहीं लेते उसके बाद आप बोल देते हैं कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, ये सारे फोटोग्राफर्स लोग ऐसा करते हैं। इसीलिए मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर कोर्स भी लेके आ रहा हूँ, लाइटरूम के ऊपर हम कोर्स ला रहे हैं कि लाइटरूम क्यों इम्पोर्टेंट है, कैमरा रॉ के स्पेशलाइजेशन का कोर्स लेके आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे कोर्स, और एक कंप्लीट एल्बम डिजाइनर कोर्स भी लेके आ रहे हैं।
जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, नॉट ओनली फोटोशॉप के अलावा भी अभी मार्केट में और क्या क्या आपको बेनिफिट दे सकती है वो सब चीज, और जो डिजिटल कंटेंट होता है जो आप यूज करते हैं ग्राफिक के लिए, उसके लिए कौन कौन सी फ्री वेबसाइट है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हम ये सब भी कोर्स में बताने वाले हैं। अच्छा, तो आपके अभी अपकमिंग भी कोर्सेस आ रहे हैं? अपकमिंग कोर्सेस है जिसमें हम इस बार हम कोर्स ला रहे हैं, उसमें डबल बेनिफिट है फोटोग्राफर्स का। एक तो हमारी फीस काफी नॉमिनल रहेगी, दूसरा हम इस बार कंटेंट बैंक प्रोवाइड करेंगे सभी को, कि मार्केट से जो इतना बार बार आपको खरीदना पड़ता है वो हम एक बार में ही दे देंगे कोर्स के साथ, जिससे आप कोर्स करने के बाद काम भी कर पाएंगे और पैसा भी कमा पाएंगे। बहुत बढ़िया, तो आपका जब भी ये नया कोर्स आएगा तो आप हमें जरूर से कॉन्टेक्ट कीजिए, तो हम लोग हमारे जितने भी आपके न्यूज के माध्यम से सारे कोर्स की हम डिटेल शेयर करेंगे। यस, थैंक यू कुशल जी, आप बहुत समय दिया और बहुत सारी बातें आपने शेयर की। लिटरली हमारे व्यूअर्स जो सुनेंगे वो अपडेट होंगे अपने आप, और उनका पार्टी का काम जो भी है वो फास्ट और इतना अच्छा कर सकें, उसके लिए आप जो टाइम दे रहे हैं उसके लिए फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इंडस्ट्रीज के तरफ से हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। तो रियली थैंक यू AMV न्यूज में आप जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे कुशल सोनी, जिन्होंने फोटोग्राफी और फोटो एडिटिंग के बारे में अपने अनुभव AMV न्यूज के साथ शेयर किए आप सभी के लिए, और उनके वर्कशॉप के बारे में भी बताया, तो आप जरूर से वो वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं।